ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। असल में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी ये दोनों सेम चीज़ें, और अगर हम कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से देखें तो ये वही चीज़ है जैसे टू मल्टीप्लाई बाई थ्री लिखें या थ्री मल्टीप्लाई बाई टू लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो है हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि x प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर, तो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पूरी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें a की जगह पे x लिखा हुआ है और b की जगह पे 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें a की जगह पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे b की जगह पे 4 लिखा हुआ है। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास ये यही वाली फॉर्म है हमारे पास। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का साइन आएगा और फोर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे होता कि ये a माइनस सेवन है और a प्लस सेवन है, तो a माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सेवन, तो देखें जो फार्मूले की हमारे पास सेकंड फॉर्म है ये वाली फॉर्म बन रही है। a की जगह पे तो a और माइनस है फिर, और उसके बाद b की जगह पे आपके पास सेवन है, फिर यहाँ पे a की जगह पे a है, फिर प्लस का साइन है और फिर b की जगह पे आपका सेवन है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा, फिर माइनस का साइन आएगा, और जब आप सेवन का स्क्वायर करेंगे तो सेवन सेवन ज़ा 49। तो ये हमने इसकी एक एग्जांपल देख ली, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये एग्जांपल हो गई, और ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये एग्जांपल हो गई। तो अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके पास लिखा हुआ हो थ्री प्लस बी और थ्री माइनस बी। तो देखें ये ऊपर वाली फॉर्म है आपकी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे था आपके पास, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ए की जगह पे थ्री है तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर, और बी की जगह पे आपके पास बी मौजूद है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर स्क्वायर बी का स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म जो है हमारे पास कौन सी थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म थी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास 9 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस डी है, तो देखें ये a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह पे आपके पास 9 मौजूद है तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, और b की जगह पे आपके पास d मौजूद है तो यहाँ पे हम d लिख देंगे। तो 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81 और d का स्क्वायर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया आपका 81 माइनस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सी एग्जांपल हैं इस फॉर्मूले की, जो कि आपका क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम सिंपली इस तरह भी पढ़ते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।